लेकिन ये क्या यार, अचानक से कौन आ गया आकर बीच में चेन पुलिंग कर कर चला गया यार। वो तो बंदा अभी तक निकल भी लिया होगा, क्या बोल रहे है? हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो गाइस फिर से स्वागत है आप सभी का सौराष्ट्र मेल के धमाकेदार सिनेरियो पे। तो गाइस आपको याद होगा अगर आप लोग पिछले पार्ट को देखे होंगे कि हम लोग चंडलोडिया स्टेशन तक जर्नी को कवर किए थे, और आज हम लोग वही स्टेशन से अधूरा जर्नी को पूरा करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिग्नल हम लोग को ग्रीन मिल चुका है, और अभी डिपार्चर का जो वक्त है ना वो भी बस होने ही वाला है, बस 2 मिनट रह गए। एक बार देख लेते कितना टाइम हो रहा है, 5:05 और 5:08 पे हम लोग को इस स्टेशन से डिपार्ट करना है। उससे पहले ना आप लोग ये क्रॉसिंग देख लो, खतरनाक क्रॉसिंग होने जा रहा है, बॉक्सन टू अहमदाबाद EMD के साथ में फ्रेट ट्रेन का क्रॉसिंग। वाह यार क्या लाजवाब क्रॉसिंग था यार, खतरनाक क्रॉसिंग का एक्शन दिखाते हुए हमारे EMD जी ने मस्त तरीके से क्रॉस किया हमारे ट्रेन को, यानी सौराष्ट्र मेल को। वैसे हाँ यार, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे लोकोमोटिव के पेंटोग्राफ को क्या हो गया, डाउन पोजीशन पे क्यों है। गाइस वो बात ही है ना कि जैसे हम लोग गेम को रिज्यूम करते हैं ना, मतलब सेव फाइल से जैसे हम लोग रिज्यूम करते हैं ना, ये लोकोमोटिव हमको ऑफ पोजीशन पे मिलती है, तो हम लोग को इसको दोबारा से ऑन करना पड़ता है। तो यार अंदर में जो की है ना ये तो हम लोग ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं, अभी थोड़ा बाहर में जाके पेंटोग्राफ को ऑन करते हैं। और आप लोग अभी सुनने वाले वही धमाकेदार साउंड्स जो कि आप लोग पिछले वाले वीडियोस पे भी एंजॉय किए हो। चलो यार मैं आपको सुना के दिखाता हूँ, लोकोमोटिव स्टार्ट साउंड सुनो गाइस, बहुत मजा आ जाएगा आपको। बाकी यार ट्रैक साउंड्स भी काफी खतरनाक वाले तो आने ही है। फिलहाल यार थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे बस होने ही वाला है हमारा पेंटोग्राफ अप। कैसा लगा गाइस आपको ये स्टार्टिंग साउंड? यार अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक भी जरूर से ठोक देना और कमेंट्स में भी बताना। तो गाइस यहाँ पे जो डिपार्चर का वक्त है वो हमारा बस होने ही वाला है, और एक काम करते हैं तब तक हम लोग ना हेडलाइट्स वगैरह को ऑन कर देते हैं। देखो यहाँ पे रेडी स्टेट का मैसेज आ गया, लोकोमोटिव स्टार्टिंग सक्सेसफुल, नाउ यू कैन मॉडिफाई द कंट्रोल्स। चलो अभी अंदर में चलते हैं, और जो लाइट्स है ना, हेडलाइट्स वगैरह है ना, वो सबको हम लोग जल्दी से ऑन कर देते हैं। कहाँ गया हेडलाइट्स का स्विचेस, ये है क्या? हाँ शायद से ये है, देखते हैं। नहीं अभी तक तो ऑन हुआ नहीं है, पहले यार डिम स्विच को ऑन करते हैं उसके बाद में ब्राइट स्विच को ऑन कर देते हैं। ये देखो गाइस हमारा हेडलाइट्स तो फाइनली जल चुका है, और अभी थोड़ा सा एक काम करके आते हैं, मार्कर लाइट्स जो है ना इसको भी हम लोग ऑन कर देते हैं। मार्कर लाइट्स का स्विच कहाँ पे है, मतलब जो छोटे छोटे लाइट्स नहीं जलते हैं वाइट कलर के, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये रहा, अच्छा नहीं ये तो कैबिन लाइट है, ये इसके पास में, हाँ ये मिल गया, ये वाइट कलर के मार्कर लाइट्स मतलब सामने वाले ऑन कर दिए, और पीछे वाले जो रेड कलर के होते हैं उसको भी ऑन कर देते हैं हम लोग। चलो गाइस लगता है हो चुका, अरे नहीं यार ये क्या हुआ, ऑन तो हुआ नहीं। डिपार्ट पर डिपार्चर टाइम ओनली, हाँ यार डिपार्चर का टाइम के बाद में ही हम लोग डिपार्ट करेंगे, और स्पीड लिमिट हमारा 120 का होगा। एक दोबारा से गाइस ऑन करके कोशिश करके देखते हैं हम लोग। हाँ गाइस फाइनली मार्कर लाइट्स हम लोग ऑन कर चुके हैं, और पीछे वाले जो रेड कलर के लाइट्स होते हैं वो भी ऑन हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे डिपार्ट करते हैं, ऑलरेडी डिपार्चर का वक्त हमारा हो चुका है, ब्रेक्स को रिलीज करते हैं। चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ब्रेक्स रिलीज हो चुका है, और जो रिवर्सर है ना ये देखो यहाँ पे कैसे प्रेशर वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है, और अभी रिवर्सर को करते हैं हम लोग फॉरवर्ड पे, और धीरे धीरे थ्रॉटल को इंक्रीज करेंगे, लेकिन उससे पहले हॉर्न बजा देते हैं लंबा सा एकदम। कहाँ गया हॉर्न का स्विच, अरे गाइस हॉर्न का स्विच कहाँ गया, ये रहा। चलो गाइस मस्त सा हॉर्न को बजा चुके हैं अभी हम लोग, और थ्रॉटल को धीरे धीरे हम लोग आगे इंक्रीज करते हैं, और फाइनली हमारा जो ट्रेन है वो भी स्पीड पकड़ना चालू करने वाली है। और वैब 7 है ना, तो यार एक्सेलरेशन को लेके आपको कोई कंप्लेन होने नहीं वाला है आज, यार मस्त तरीके से एक्सेलरेशन करेंगे हम लोग हमारे सौराष्ट्र मेल के साथ में। और यहाँ से जो अगला हॉल्ट है वो हमारा होके आ रहा है विरामगंज जंक्शन, तो विरामगंज जंक्शन पे हमको 5:50 पे पहुँचाना है। तो गाइस आप लोग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि तब तक जो है ना पूरा सुबह सुबह हो जाएगा, और आसपास में पूरा उजाला उजाला हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी स्पीड ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से हम लोग पकड़ रहे हैं, मैं स्पीड को यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो ऑलरेडी 40 km/h पे पहुँच चुके हैं हम लोग, गाइस ऑलरेडी 40 km/h की स्पीड को हम लोग अचीव कर चुके हैं, और यहाँ पे कंप्रेसर का जो साउंड है वो हमारा ऑफ हो चुका है। एक बार हॉर्न बजा देते हैं यहाँ से, वाह यार ये क्या फील है गाइस। देखो आसपास में बड़े बड़े से बिल्डिंग्स हैं, और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम हो रहा है अभी,
आसपास में आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि कितना हल्का सा उजाला उजाला सा हो के रखा है। और कुछ देर बाद में ना सनराइज एकदम ढंग से हो जाएगा और पता नहीं यार हम लोग को ब्लू स्काई कब देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ब्लू स्काई देखने को मिलता है ना वैसे हमारा मज़ा दुगना हो जाएगा। तो चलो गाइस अभी थोड़ा सा बाहर के साइड में चलते हैं। स्पीड हमारा कितना जा रहा है अभी? स्पीड हमारा 80 चला गया गाइस। देखो यार क्या लाजवाब एक्सेलरेशन कर रही है। और यहाँ पे हॉर्न बजाने का सिंबल दिया हुआ था, हम लोग हॉर्न बजा देते हैं यहाँ पे। ये शायद से ना गाइस कोई लेवल क्रॉसिंग था, इसीलिए हॉर्न बजाने का जो सिंबल है वो यहाँ पे दिया हुआ था। वैसे सीफा लिखा हुआ था, सीफा का क्या मतलब है गाइस? ऐसा है क्या सिटी फाटक? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं सही हूँ तो बताना कमेंट्स में, अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को करेक्ट करके जरूर से बताना कमेंट्स में। तो चलो गाइस अभी थोड़ा सा हम लोग बाहर के साइड में चलते हैं। अच्छा ये देखो यार बाहर के साइड में आते ही धमाकेदार वाले ट्रैक साउंड्स प्ले होना शुरू हो चुके हैं। और ये शायद से हमारा मून है और पीछे में ना सन भी दिखेगा आपको कुछ देर बाद में। तब तक आप लोग थोड़ा ट्रैक साउंड भी इंजॉय कर लो। ये देखो गाइस एक छोटा सा इकलौता गाड़ी यहाँ पे जा रहा है। देखो आसपास में कोई भी गाड़ी नहीं है। अच्छा दूर में एक और गाड़ी है, बाकी काफ़ी ढेर सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स आसपास में नजर आए। ये क्या यार हमारे लेफ्ट साइड में अगर आप लोग देखोगे अचानक से ग्लिच सा कैसे आने लगा? एक सेकंड, जैसे हम लोग ट्रैक मोटर को ऑन कर रहे हैं ना हमारा ग्लिच चला जा रहा है, और जैसे ट्रैक मोटर को ऑफ कर रहे हैं वैसे ग्लिच वापस से आ जा रहा है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा गाइस, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये। अगर आपको उसका सलूशन पता है तो बताओ कमेंट्स में, क्योंकि मुझे लग रहा नहीं रिफ्लेक्शन का कुछ हो सकता है, पता नहीं यार मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी यार अभी जैसे ही कोई ट्रेन का क्रॉसिंग होता है ना सामने में ढेर सारा हेडलाइट्स नज़र आते हैं, तो जिसके चलते थोड़ा बहुत हैंग तो होता ही है, तो आपको पता ही है। तो अभी जो स्पीड है 110 पे उतर चुका है। एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज और कर देते हैं। और सामने से एक और स्टेशन है जिसको कि हम लोग स्किप करने वाले हैं। कौन सा स्टेशन है? अम्बली रोड मेन लाइन। तो अम्बली रोड मेन लाइन स्टेशन को हम लोग करने जा रहे हैं स्किप गाइस। और साथ साथ में साइड से एक और क्रॉसिंग भी होने जा रहा है, वो भी आप लोग देख लेना। ये क्रॉसिंग भी आप लोग एंजॉय करते रहना गाइस। देखते हैं कौन सा ट्रेन है, समझ में नहीं आ रहा है, नेम नहीं दिख रहा अभी तक। हाँ अभी नेम दिखाई दे रहा है, 2293 रेवा राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गाइस हो जाओ तैयार, एक और क्रॉसिंग होने जा रहा है। रोड मेन लाइन को हम लोग करने जा रहे हैं स्किप। और यार ये एएमडी भाई आप थोड़ा सा और पहले से हॉकिंग करते ना तो यार हमारा मजा जो है ना वो दुगना हो जाता यार। सच है कि नहीं गाइस बताना, अगर ये थोड़ा सा पहले हॉकिंग मारती ना तो यार हमारे क्रॉसिंग का मजा भी दुगना हो जाता, क्योंकि हम लोगों को क्रॉस करने के बाद में दूर में जाकर वो हॉक कर रही है। खैर जो भी है ये तो एआई ट्रेन सर, इसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी हम लोग ऊपर में अगर देखेंगे ना तो ये कोई ब्रिज सा लग रहा है। वैसे देख क्या है क्या हम लोग, ये कौन सा ब्रिज है? कोई नहीं चलो देख कर आते हैं, एक्सप्लोर करना हमारा काम है। वैसे ये ब्रिज को ना ढंग से दिखाया नहीं गया है, आप लोग अगर देखेंगे तो कोई बात नहीं। चलो हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं यहाँ से और थोड़ा बाहर से आप लोग नज़ारा देखते रहिए। यहाँ से भी मस्त नज़ारा लग रहा है देखने में, साथ साथ में जो स्पार्क्स हो रहे हैं ना ये और ज़्यादा रियलिज्म ऐड कर दे रहे हैं हमारे सिमुलेशन एक्सपीरियंस में। वैसे गाइस आपको तो पता ही है कि आज भी हम लोग वही रूट खेल रहे हैं, यानी WR V1 रूट। काफ़ी अच्छा रूट है वैसे यार, मेरा ना मन है इस रूट को सुबह में खेलने का, क्योंकि तभी ना सीनरी का जो असली मज़ा है वो समझ में आ जाएगा। चलो यार वापस हम लोग चलते हैं हमारे डोर व्यू पे, यहाँ पे चलते हैं। स्पीड हमारा रिड्यूस है क्या? नहीं यार स्पीड तो मस्त आ रहा है, स्पीड लगी कोई हम लोग को शिकायत नहीं है। बाकी दूर में काफ़ी ढेर सारे बड़े बड़े से बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं। और अभी हम लोग हल्का सा कर्व से होकर गुजरने वाले, ये देखो पीछे से अगर आप लोग देखेंगे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, कर्व सा छोटा सा एक्शन था गाइस। और अभी वक्त हो रहा है 5:14, तो यार अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है हम लोगों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए, और काफ़ी वक्त बाकी है गाइस। मेरे को पूरा भरोसा है कि हम लोग ना बिल्कुल टाइम के अंदर में एंटर कर जाएंगे स्टेशन को। और सामने को स्टेशन आ रही है क्या गाइस? थोड़ी देर बाद में ना गोराघुमा स्टेशन आने वाला है, गोराघुमा। तो गोराघुमा स्टेशन को भी हम लोग अभी स्किप करने वाले कुछ देर में, उसका भी यार आप लोग देख लेना क्रॉसिंग वगैरह। मैं आपको वो लेफ्ट एंगल से दिखा दूंगा, यानी लेफ्ट वाला जो डोर व्यू है ना वही से मैं आपको दिखा दूंगा वो वाला क्रॉसिंग।
तो लगता है गाइस एक और ट्रेन आने वाला है। अच्छा नहीं ट्रेन नहीं, मेरे को लगा ट्रेन है। नहीं गाइस ये गोरागुमा स्टेशन का जो है ना लेबलिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो यार यहाँ से क्रॉसिंग देखो यार, काफी मजेदार और धमाकेदार स्पीड से हम लोग गोरागुमा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं मजे से गाइस, एकदम आराम से। गोरागुमा स्टेशन स्किप हो चुका है और सामने जो है ना दोबारा से हॉर्न बजाने का सिंबल था, इसलिए हम लोग हॉर्न बजा दिए। सिग्नल क्या है? अरे सिग्नल तो येलो दिखा रहा है। अरे ये कैसा सिग्नल है गाइस? ये देखो यार ये ब्लिंक होता हुआ सिग्नल, क्या आपको रियल वर्ल्ड में कभी देखे? ये क्या हुआ? सम इडियट पब्लिक हैज पुल्ड द चेन, स्टॉप द ट्रेन एंड वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द अथॉरिटीज। अरे ये क्या हो गया गाइस? अरे कौन है भाई? हम लोग मस्त मजे से आराम से आगे जा रहे थे एकदम बिल्कुल फुल MPS पे, और यहाँ पे अचानक से देखो यार ये महाशय आ गए जो कि हमारे चेन पुलिंग के लिए जिम्मेदार है। और कितना जल्दी से हम लोग देखो चेन पुलिंग करते ही हमारा जो है ना ब्रेक्स लग चुका है। तो यार जैसे रियल वर्ल्ड में करते हैं ना हम लोग वही करने की कोशिश करते हैं। गाइस रियल वर्ल्ड में ना ऐसा ही अलार्म टाइप का हॉर्न बजाया जाता है ताकि हमारे ट्रेन मैनेजर जी को पता चल जाए। तो यार हम लोग भी यहाँ पे वही कर रहे हैं क्योंकि यार हमारा मकसद है कि एक्सपीरियंस को रियलिस्टिक बनाने का। बाकी यार देखो कब तक हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिलता है आगे जाने के लिए पता नहीं यार। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर कौन से कोच में ब्रेक्स लगाए। देखो यार साउंड आ रहा है आपको ब्रेक का? मेरे को तो लगता है इस वाले कोच से आ रहा है। देखो गाइस लगता है इस वाले कोच से आ रहा है, क्या लगता है आपको? हो सकता है। बाकी आप देखते हैं यहाँ पे ट्रेन मैनेजर जी आएंगे, सब कुछ यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और फिर ब्रेक का जो वैल्व है उसको शायद से ठीक वगैरह करेंगे। मेरे को इस बारे में कुछ खास पता नहीं है, वो करने दो। हम लोगों को जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता हम लोग यहाँ से डिपार्ट तो कर नहीं सकते। तो फिलहाल रुकते हैं। क्या यार अच्छा खासा हमको जाना था आगे और मेरे को लगा हम लोग बिल्कुल टाइम पे एंटर कर जाएंगे हमारे अगले हॉल्ट पे, लेकिन ये क्या यार अचानक से कौन आ गया आकर बीच में चेन पुलिंग कर चला गया। वो तो बंदा अभी तक निकल भी लिया होगा। क्या बोल रहा है? एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम, नाउ यू कैन डिपार्ट। चलो गाइस हो गया। और अभी मेरे को वो साउंड भी नहीं आ रहा है, लगता है ब्रेक्स को सही कर दिया गया और अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये क्विज सा था हमारे स्वाधीन भाई के सिनेरियो पे। तो यार ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इससे थोड़ा सा मज़ा भी आ जाता है। खैर जो भी हो अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं और हमारा जो कंप्रेसर है वो दोबारा से ऑन हो रहा है ब्रेक्स रिलीज करने के बाद में। चलो तो अभी हम लोग चलते हैं ट्रेन के अंदर में और हॉर्न बजा के यहाँ से डिपार्ट करते हैं। और ब्रेक्स को हम लोग रिलीज कर देते हैं, वो हम लोग भूल गए थे यार, क्योंकि यार ब्रेक्स तो 100% होंगे ही ना, जिसने चेन पुलिंग किया है उसके वजह से हम लोगों का इमरजेंसी ब्रेक्स लग गया था। और अभी हम लोग ब्रेक्स को रिलीज कर चुके हैं और रिवर्स को करते हैं हम लोग फॉरवर्ड पे और दोबारा से हॉर्न बजाकर डिपार्ट करते हैं यहाँ से। चलो गाइस अभी दोबारा से ना आप लोग धमाकेदार वाला एक्सेलरेशन देखने वाले हो हमारे वैब 7G का। बाकी यार लोकोमोटिव साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ से। और अगर इस साइड के नज़ारे की बात करें तो सनराइज हो रहा है क्या? वो देखो गाइस दूर में वहाँ पे सनराइज दिखाई दे रहा है। और एक काम करते हैं हम लोग दोबारा से आ जाते हैं राइट साइड में ताकि आप लोग यहाँ से नज़ारा देखते रहे। और काफ़ी तेज़ी से देखो यार तुरंत हम लोग 57 यानी 60 की स्पीड को हम लोग अचीव कर चुके हैं। और ये एक और लेवल क्रॉसिंग था और लेवल क्रॉसिंग बिल्कुल खाली है, मतलब कोई व्हीकल्स वगैरह दिख नहीं रहे क्योंकि सुबह का वक्त है ना यार। अभी यार गाड़ी वगैरह वैसे ही कम ही चलते हैं। और ये पता नहीं गाड़ी यहाँ पे दिखा यार कुछ देर पहले अचानक से अगर गायब भी हो गया यार, पता नहीं कहाँ जा रहे। ये देखो यार जो सूरज का रोशनी है ना हमारे ट्रेन पे ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, कितना मस्त लग रहा है, एकदम रियल वाली फील आ रही है इससे। देखो यार फाइनली हम लोग 110 की स्पीड को अचीव कर चुके हैं और काफ़ी जल्दी यार अचीव किए हैं और 120 को भी बस अचीव करने वाले, इसीलिए मैं थ्रॉटल को ना सीधा कर देता हूँ 20% पे, सीधा 20% पे रख देता हूँ। हाँ 22% सही है। ये नीचे से छोटा सा कोई रिवर टाइप का था पता नहीं अब वो क्या था और हल्का सा ग्रेडियंट फिलहाल हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर में और पीछे से भी आप लोग नज़ारा देखते रहिए। एक काम करता हूँ मैं ना पीछे के साइड में जाता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है, मैं सामने के साइड से दिखा रहा हूँ, थोड़ा पीछे के साइड में चलते हैं। ये देखो पीछे में जनरेटर कार वाले कोच
वाली व्यू पे आ चुके हैं। और देखो थोड़ा थोड़ा रोशनी पड़ना स्टार्ट हो चुका है सूरज का। और आप लोग एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो नेम बोर्ड्स है ना गाइज, ये नेम बोर्ड्स भी बिल्कुल एग्जैक्ट सौराष्ट्र मेल के ही हैं। अगर आप लोग देखोगे ज़रा अच्छे से, आप लोग देखिए यहाँ पे, देखो यार सौराष्ट्र मेल की ट्रेन नंबर्स, साथ साथ में ट्रेन नेम्स, सब कुछ को इस्तेमाल किया गया है। चलो गाइस थोड़ा सामने के साइड में चलते हैं। और अभी यार बारी है थोड़ी सी कैब राइड करने की। चलो यार हम लोग चलते हैं अंदर में, यानी कैबिन के अंदर में। तो यहाँ से कैब राइड आप लोग देखते रहिए। हॉर्न कौन सा अच्छा लग रहा है गाइस आप सभी को? स्पीड कितना हो रहा है ये देखो गाइस, 120 के स्पीड में हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ज़्यादा इंक्रीज करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग ना दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि यार सुहाना सा मौसम हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग का जो फ्रेश एयर है ना, वो भी आना चाहिए अंदर में, क्योंकि यार एसी वैसी तो ऑन नहीं होगा अभी तक। वैसे एसी है क्या इस पे? नहीं, हाँ हाँ गाइस है, मेरे को लगा नहीं होगा। ये देखो ये एसी वाला लोकोमोटिव है, और यहाँ पे फैन भी, ये लगता कोई बीटी भी नहीं यहाँ पे वेट कर रही है। ये देखो दूसरा स्टेशन को भी हम लोग करने जा रहे हैं स्किप। ये कोई बड़ा सा स्टेशन लगता है सानंद स्टेशन को कर रहे हैं अभी स्किप, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के थ्रू से। और वहाँ पे BTPN वाली फ्रेट ट्रेन रुकी हुई है। एक सेकंड, ये क्या, ये सीनरी तो देखना बनता है गाइस, ये क्या है? ये लगता है कोई लोडिंग एरिया है गाइस, और वहाँ दूर से हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग चल रही है। और ये पता नहीं क्या है यहाँ पे, अगर आपको पता है तो बताना कमेंट्स में गाइस, ये क्या है पता नहीं यार, ये कोई वेयर हाउस टाइप का लगता है। चलो ट्रेन को पकड़ लेते हैं हम लोग। और हल्का सा कर से होते हुए हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। स्पीड हमारा 118 हो रहा है अभी फिलहाल, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं गाइस, 120 पे लेके चलते स्पीड को। हाँ तो गाइस हम लोग अंदर से नज़ारा देख रहे थे। अच्छा ये फैन कैसे ऑन करते हैं, इससे क्या? हाँ गाइस ये रहा, फैन ऑन हो चुका है। इस साइड वाले भी फैन ऑन कर देते हैं हम लोग, क्योंकि यार दोनों साइड से ताज़ा हवा आना चाहिए ना। साथ साथ में विंडोज़ भी खोल देते हैं, ताकि फ्रेश एयर को ना ये खींच ले। ये रहा, अभी दोनों साइड के विंडोज़ हम लोग खोल चुके हैं, और एकदम मस्त तरीके से क्रूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे सौराष्ट्र मेल को लेकर इसके अगले गंतव्य स्थल तक। वैसे अभी ज़्यादा बाकी नहीं है, अभी बहुत जल्द हम लोग पहुँच जाएंगे हमारे अगले गंतव्य स्थल तक। तब तक यार देखना ये है कि कौन कौन सी ट्रेन आकर हम लोग को क्रॉस करने वाली है। और थोड़ा सा यार बाहर के साइड से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये कोई वाटर बॉडी लगता है, पता नहीं छोटा मोटा सा लेक टाइप का हो सकता है, हल्का फुल्का यानी छोटा सा लेक हो सकता है कोई। और यहाँ पे कोई कॉलोनी है क्या? ये हो सकता है यार कोई कॉलोनी होगा। और हम लोग तो यार हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ ही रहे। एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा रेल फैनिंग मोड से भी नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग नज़ारा देखो गाइस, आपको यार बहुत मज़ा आ जाएगा। एक सेकंड जब मेरे को हॉर्न यूज़ करने दो। कैसा लगा गाइस आप सभी को? यार ये इतने खतरनाक ट्रैक साउंड्स आएंगे ना तो यार अच्छा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। चलो हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे ट्रेन के अंदर में। और एक काम करता हूँ, मैं ट्रेन के अंदर में यानी पैसेंजर व्यू को देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसका पैसेंजर व्यू अवेलेबल है। नहीं गाइस, शायद से पैसेंजर व्यूज अवेलेबल नहीं है। तो ये यार पूरा का पूरा शायद से स्लीपर और जनरल क्लास हो सकता है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ये कौन सा, अच्छा इसमें फर्स्ट क्लास भी था क्या? और यहाँ पे देखो पिक्चर लगा हुआ है ताजमहल का, और यहाँ से जर्नी का कितना सुकून मिलता है ना गाइस, क्या कहते हो? तो क्योंकि फर्स्ट क्लास का ये कूप वाला एरिया है, तो हम लोग बाहर जा सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं, तो ऊपर के साइड में आ चुके हैं। और नहीं 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 गाइस नहीं जा सकते। ये किसी स्टेशन को अभी अभी हम लोग स्किप किए। अगर आप लोग नोटिस किए हो कि कौन सा स्टेशन था बताना कमेंट्स में, मैं तो देख नहीं पाया गाइस। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक्टर नज़र आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो यार, ऐसा अक्सर मिलता है यार, इस रूट को ना काफ़ी रियलिस्टिक वाला टच देने का कोशिश किया गया है। एक और ट्रैक्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे खेती बाड़ी चल रहा होगा गाइस। ये दोनों ही कैमरा एंगल अवेलेबल है ये फर्स्ट क्लास के कूप पे। तो एक बार बाहर में चलते हैं, और हम लोग नीचे पे आ रहे हैं गाइस। देखो ऊपर में ग्रेडियंट से हम लोग नीचे में आ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे के साइड में चलते हैं गाइस, मैं थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन से क्लासेस के कोचेस अवेलेबल है गाइस। ये तो था हमारा फर्स्ट क्लास, और ये स्लीपर क्लास। अच्छा अच्छा गाइस, ये सारे के सारे स्लीपर क्लास वाले अवेलेबल है यहाँ पे, यही मैं सोच रहा था। सारे के सारे जो कोचेस है ये स्लीपर क्लास है, बस एक ही कोच फर्स्ट क्लास का दिया गया है गाइस। ऐसा क्यों पता नहीं यार, किस लिए ऐसा है? बाकी आप लोग यहाँ से देखो यार, कर्व और हल्का सा ग्रेडियंट का एक्शन आप लोग यहाँ से देखते रहिए।
पीछे का भी नज़ारा था। पीछे में यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, सनराइज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और बहुत ही जल्द उजाला उजाला सा हो जाएगा। हमारा जो मौसम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और रिफ्लेक्शन भी देख पर काफ़ी मस्त लग रहा है। और साथ साथ में एक और क्रॉसिंग भी होने जा रहा है, 12990 अजमेर दादर वेस्टर्न सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्रॉसिंग देखो गाइस। वाह यार लाजवाब क्रॉसिंग, लाजवाब क्रॉसिंग, मस्त मज़ा आ गया एकदम क्रॉसिंग। पीछे से जनरेटर कार भी धुआं मारते हुए चली गई, तो चलो थोड़ा सामने चलते हैं हम लोग। यार हमारे ट्रैक्स पे कोई सिग्नल नहीं नजर आ रहे, क्या बात है गाइस, पता नहीं यार। ये कोई हल्का सा कुछ था नीचे पे नाला टाइप का, जहां से भी हम लोग क्रॉस करके गुजर रहे हैं आगे। तो कैब के अंदर में दोबारा से चलते हैं, और अभी वक्त हो रहा है 5:27, यानी एकदम अर्ली मॉर्निंग का एक्शन चल रहा है तब से। और अभी देखना ये है कि कब तक हम लोग जाकर अपने अगले हॉल्ट तक पहुंचते हैं। तो एक और कर्व से होते हुए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब टाइट वाला कर्व था, और राइट साइड के ट्रैक्स पे हमारा सिग्नल अभी ग्रीन दिखा रहा है। तो यार गाइस दोबारा से हो जाओ तैयार, लगता है कोई इक्वा क्रॉसिंग हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अब देखना होगा गाइस ये कौन सी ट्रेन है। चलो 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 जो भी क्रॉसिंग है जल्दी आओ यार, क्योंकि क्रॉसिंग जितने ज़्यादा देखने को मिलता है ना उतना ही मज़ा हमारा बढ़ जाता है, क्या कहते हो। यार बिना क्रॉसिंग्स के ना अच्छा नहीं लगता, क्या कहते हो आप लोग। मेरे को तो यार ऐसा ही लगता है, क्रॉसिंग्स बैक टू बैक एटलीस्ट, मतलब अगर नॉर्मल ट्रेन के क्रॉसिंग्स नहीं भी देखने को मिलते हैं, अगर फ्रेट ट्रेन के भी क्रॉसिंग देखने को मिलते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन क्रॉसिंग्स तो होने बनते हैं गाइस। और लगता है फिर से कोई कर्व है क्या। हाँ गाइस दोबारा से एक और कर्व है जहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं, और ये देखो हमारा जो मून है वो भी काफ़ी शानदार लग रहा है। साथ साथ में क्रॉसिंग देख लो आप लोग, नेम में बाद में दिखाता हूँ आपको ट्रेन का। वाह यार वाह, 22956 कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वाह गाइस वाह, कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एक काफ़ी मस्त क्रॉसिंग देखने को मिल गया आप लोगों को। तो गाइस विरामगम जो है वो काफ़ी पास में आ चुके हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ब्रेक सभी अप्लाई कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग स्पीड को अपने कंट्रोल पे ला पाए। तो यार ब्रेक्स भी काफ़ी कमाल के यार, आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग आराम से जो है ना स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे। और फाइनली और बस 1 किलोमीटर बाकी है गाइस विरामगम आने में, बस और 1 ही किलोमीटर बाकी है। तो यार सेव कर लेते हैं गेम को, और स्पीड हमारा 50 पे आ चुका है। एक काम करते हैं, जब तक स्पीड 40 पे नहीं आता ना तब तक स्पीड को हम लोग ऐसे ही रखते हैं। चलो गाइस अभी ब्रेक्स को हम लोग रिलीज कर सकते हैं। हाँ हाँ अभी ठीक है गाइस। तो यार विरामगम के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग को दिया गया है, तो चलो यार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी हम लोग जाएंगे। लेकिन तब तक आप लोग यहाँ पे देखो कि हमारा होने जा रहा है यहाँ पे अभी ट्रैक्स चेंज, और ट्रैक्स चेंज को और सामने एक और लेवल क्रॉसिंग है। यहाँ पे यार काफ़ी सारे मेरे को व्हीकल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, और फाइनली विरामगम जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। गाइस एक बार हम लोग को रोक लेने दो ट्रेन को, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे स्टेशन को। पीछे से भी आप लोग देख लो, वैसे छोटी सी ट्रेन है ना हमारी, तो यार बहुत ही काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग स्टेशन के अंदर में आ जाएंगे। तो यार वही हो गया, स्टेशन के अंदर में हम लोग आ चुके हैं। और वैसे यहाँ पे पहुँचने का टाइम हमारा 5:50 पे था, लेकिन देखो अभी 5:43 हो रहे हैं, हम लोग अराइव कर चुके हैं। वाह यार क्या बात है यार, चेन पुलिंग होने के बावजूद भी हम लोग इतना जल्दी ट्रेन को अराइव कर पाए यार, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस, क्या कहते हो। तो बस गाइस और थोड़ा सा सामने जाकर हम लोग अपने ट्रेन को यहाँ पे रुकवा देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेशन पे क्या है दिखाने के लिए। वैसे मेरे को लगता नहीं कि कुछ खास होगा स्टेशन पे दिखाने के लिए, मेरे को खाली खाली सा लग रहा है बिल्कुल, और सामने में सिग्नल भी रेड दिखा रहा है। खैर जो भी हो, तो गाइस हम लोग अभी हमारी ट्रेन को यहाँ पे अभी रोक देते हैं, ब्रेक्स को हम लोग अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे ट्रेन को रुकवा देते हैं। आप लोग ब्रेक साउंड भी सुनो, चलो गाइस फाइनली हम लोग अराइव कर चुके हैं हमारे अगले वाले डेस्टिनेशन पे। और वैसे यार अभी जो है ना वक्त काफ़ी तेज़ी से बीत रहा है, और यहाँ पे अकेले भाई साहब आप क्या कर रहे हो यार, आप अकेले यहाँ पे खड़े हो और कोई दिख नहीं रहा है आसपास में। वैसे हम लोग को सिग्नल देखो यार आगे जाने का मिल भी चुका है, वाह यार बहुत ही बढ़िया। बाकी स्टेशन तो बिल्कुल खाली सा है, ना तो कोई स्टेशन बिल्डिंग मेरे को नज़र आ रहा है, ना तो कुछ नज़र आ रहा है। वैसे जंक्शन है ना, तो यार पता नहीं अगर आप लोग रियल वर्ल्ड में स्टेशन को विजिट किए होंगे तो यार वो भी मेरे को कमेंट से बताना कि क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा ही स्टेशन दिखता है।
कुछ स्टेशन बिल्डिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे एकदम खाली खाली सा लगता है क्या रियल वर्ल्ड में स्टेशन? तो यार बता सकते हो कमेंट से। तो बाकी यहाँ पे कुछ कुछ वाटर बॉडीज नजर आ रहे हैं। तो गाइस आपको यार यहाँ तक ये जर्नी कैसा लगा आप सभी को, और ये चेन पुलिंग का एक्शन कैसा लगा आप सभी को वो भी बताना कमेंट्स में। और हाँ, अगर आप यहाँ पे पहली बार एंट्री मारे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके के ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। और गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर से करके जाना। तो ओके गाइस, अभी मैं आपसे फिर से मिलूंगा ऐसे ही किसी और अगले वीडियो पे। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।